में इस बीमारी ने अभी कहर बरपाया हुआ है। पिछले 2 महीने की बात करें तो यहाँ गांव में मौसमी बीमारियों और स्क्रब टाइफस से 22 मौतें हो गई हैं। इसे लेकर चिकित्सा विभाग हरकत में आ गया है। चिकित्सकों की टीम ने गांव में पहुंचकर बीमारी से पीड़ित लोगों के सैंपल लिए, जिसमें 24 सैंपलों में से 10 सैंपल स्क्रब टाइफस के पॉजिटिव पाए गए। 10 मरीजों में स्क्रब टाइफस के लक्षण पाए जाने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले को लेकर इंडिया न्यूज़ ने आज वरिष्ठ चिकित्सक मालपुरा ब्लॉक के हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के उपनिदेशक डॉक्टर अनिल परतानी से इस घातक बीमारी को लेकर, उसके बचाव और उसके लक्षणों को लेकर एक विशेष बातचीत की है। अब हम आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवी शंकर सोनी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मालपुरा क्षेत्र में, टोंक जिले के मालपुरा क्षेत्र में इस समय एक बैक्टीरिया जनित बीमारी फैल रही है, जिसको कहते हैं हम स्क्रब टाइफस के नाम से। मालपुरा उपखंड के ही पचेवर थाना अंतर्गत गांव आता है नगर ग्राम में, उस नगर ग्राम में ये बीमारी इस कदर फैली हुई है कि वहाँ लगभग 10 से 12 मौतें हो गई। मौतें टोटल जो मौतें हुई है तो 25-30 हुई है, लेकिन उसमें अलग अलग बीमारी से मौतें हुई है। जब वहाँ स्पेशल टीमें, स्टेट टीम और डिस्ट्रिक्ट टीम वहाँ पहुँची, जाँच की गई, सैंपल लिए गए, तो पता चला गया स्क्रब टाइफस जो है वो उससे संक्रमण जरूर हुए हैं। स्टेट जो टीम थी चिकित्सकों की वो और डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने जो 24 सैंपल लिए थे, उस 24 सैंपल में से लगभग 10 सैंपल में ये जो बैक्टीरिया है ये पॉजिटिव पाया गया है। तो ये जो पॉजिटिव माना है ना, 10 मरीजों को पॉजिटिव माना, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप ये देख सकते हैं ये भयावह बीमारी है। तो मेरे साथ में इस समय मालपुरा क्षेत्र के हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के उपनिदेशक बैठे हुए हैं, डॉक्टर अनिल परतानी। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा और हम आपको बताएंगे कि आखिर ये बैक्टीरिया क्या है, ये बीमारी कैसे है, कैसे फैलती है, इसका उपचार क्या है और हमें इस जानलेवा बीमारी से कैसे बच सकते हैं। सर, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सर, ये जो नगर में जो कहर बरपा रही है स्क्रब टाइफस के नाम से जो बीमारी आई है, कहीं ना कहीं लोगों में एक भय लगातार बढ़ता जा रहा है जी। तो ये सर, ये आखिर ये स्क्रब टाइफस बीमारी है क्या? ये एक बैक्टीरिया है जो कि माइट होता है, एक जिसको अपन चिगर, उसके जो लार्वा होते हैं उनसे ये फैलता है। ये माइट ज़्यादातर झाड़ियों में, पत्तियों के ढेरों में, पुरानी लकड़ियों में, घास फूस में, ऐसी जगह ज़्यादा मिलता है। और जब ये लार्वा बनाता है अपना, तो उस लार्वा के साथ में अपने इन्फेक्शन को कैरी करता है। जब ये लार्वा किसी भी को काटता है तो उसके खून में प्रवेश करके बैक्टीरिया जाने के बाद उसमें बीमारी करता है। तो इसके कैरियर होते हैं सबसे ज़्यादा तो चूहे होते हैं, फिर खरगोश होते हैं। अगर ये वहाँ अवेलेबल नहीं है तो फिर ये किसी भी जानवर को काट सकता है और मनुष्यों को भी काट सकता है। मनुष्यों में बीमारी फैलाता है और सभी इसके कैरियर बनते हैं। सर, ये जो माइट होता है इसके अपन आकार कैसे मान लें, कितना लगभग? ये माइट जो एडल्ट होता है सर, वो तो 1 से 2 mm का होता है, जो कि साधारणतः दिख नहीं पाता जी। और लार्वा और भी छोटा होता है, 0.1 से 0.2 mm का होता है। तो नंगी आंखों से इसको देखा नहीं जा सकता, लेंस से जरूर ये दिखाई दे सकता है। इसकी पहचान कैसे करें सर? जैसे अगर चिकित्सकों की टीम पहुंचे तो ग्रामीणों को सचेत करें कि भाई आप इसकी इससे पहचान करें, इससे इससे बचाव करें, मतलब इससे बचने के उपाय क्या हैं? इससे बचने के उपाय ये कि सबसे बड़ी तो, जैसे हम ग्राम में वहाँ विजिट भी किए हमने, सबसे पहले तो पुरानी लकड़ियों के ढेर को, पत्तियों को, घास फूस को, इनको साफ रखें, बाड़ों को साफ रखें, क्योंकि एडल्ट तो वहीं मिलेगा। और लार्वा जिस भी पशु में मिलेगा तो अपन कोशिश ये कर सकते हैं कि जितने भी पशु हैं उनके एक एक्रेसाइड बोलते हैं अपन, जो कि इसको मारता है, साइपरमेथ्रिन, डेल्टा मेथ्रिन, परमेथ्रिन, इस तरह के जो केमिकल आते हैं उनका घोल बनाकर इन पे छिड़केंगे। तो अगर कोई कैरी करता है इसको, माइट को, लार्वा को, तो वो मर जाएगा। ऐसे ही मनुष्यों में भी अगर अपन चाहें तो ये साबुन आते हैं, कुछ शैम्पू आते हैं, कुछ कपड़ों पे छिड़कने की दवाइयाँ आती है, वो अगर अपन छिड़केंगे तो इनसे बचा जा सकता है। सर, नगर ग्राम में जो मौतें हुई, ग्रामीणों तो आरोप लगाया कि 40 से 50 मौतें हुई है, लेकिन जब टीम वहाँ पहुंची, उन्होंने जानकारी जुटाई तो लगभग 22 से 23 मौतें हुई है। उस 22-23 मौतों में कुछ साधारण मौतें हैं, कुछ वृद्धावस्था के कारण है, कुछ अन्य जो मौसमी बीमारी है उसकी वजह से, लेकिन स्क्रब टाइफस से भी कुछ मौतें हुई है जी। अब जब ये टीमें वहाँ गई, जैसे स्टेट टीम है, डिस्ट्रिक्ट टीम है, चिकित्सकों की, उन्होंने सैंपल जुटाए, अभी उन 24 सैंपलों में से 10 सैंपल पॉजिटिव आए जी। तो ये जो 10 सैंपल पॉजिटिव आए, सर इसको हम बहुत घातक मान सकते हैं कि 10 पॉजिटिव आना? हाँ बिल्कुल, एक गांव में 10 केस होना साधारण बात नहीं है। इसका मतलब है कि इस तरह के वहाँ पे माइट कह लो या उसके लार्वा कह लो काफ़ी संख्या में होंगे, क्योंकि एक ही घर में है नहीं, अलग अलग घरों में, तो इसका मतलब उस गांव में काफ़ी हद तक ये कहीं ना कहीं मौजूद है।
तो बेहतर ये होगा कि वहाँ सबसे पहले तो सफाई अभियान बहुत अच्छा चलाया जाए, सभी लोग ये समझें कि वहाँ बाड़ों में इस तरह की चीज़ें वहाँ पुरानी जो पड़ी रहती है उसको हटवाएं, सफाई कराएं, और फिर ये छिड़काव वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ सब जगह करें, तो इस पर काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। एक चीज़ इसमें और ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि ये ज़मीन से क्रॉल करके लार्वा आदमी के चिपकता है, काटता है और फिर खून को ट्रांसमिट करता है। अपन नंगे पाँव ना रहें, पूरे तन को ढक करके रखें, पूरे पैंट या जो भी पहन रहे हैं वो लंबे नीचे तक ढके हुए पहने, तो भी ये इससे अपन बच सकते हैं। सर ये डेंगू और मलेरिया से घातक है? हाँ, उससे घातक इसलिए है सर कि अभी गाँव की स्थिति अगर अपन बात करें, जैसे हम भी वहाँ जाके आए, साधारण लेते हैं अपन बुखार को, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है ठंड लग के बुखार होने से, जोड़ों में दर्द से, सिर दर्द से, चक्कर आने से, कुछ नर्वस साइन भी आते हैं जिसमें वो भूलने की बात हो या मतलब उसको ये समझ नहीं आता कि हाँ अपन और बुखारों में जैसे मान के चलते हैं उसका गोलियां लेता रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर लंबा खिंच जाएगा तो सबसे बड़ा तो इसमें मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर होता है और फिर ब्लड ये रक्त स्रवण भी हो सकता है जिससे कि तुरंत मौत हो जाती है हार्ट फेल्योर होने से। कोमा में जाने की स्थिति? हाँ, कोमा में भी जा सकता है। तो ये सब बचने के लिए अपन इसका ज़्यादा अच्छा तो ये होगा कि जो ही बुखार हो आप जांच कराएं तो बेहतर होगा, और उसका इलाज, उसके सिम्टम जो ही अपने को लगे कि इससे मिलते जुलते सिम्टम है तो उसका इलाज चालू कर देना चाहिए, क्योंकि जांच तुरंत नहीं हो पाती है, जांच में टाइम लगता है। वैसे शुरुआती लक्षण क्या है सर? सबसे पहला लक्षण तो बुखार ही है, जोड़ों में दर्द है, यही है सबसे पहले। फिर उसके और फिर इसमें देखा जाए तो एक अलग तरह का निशान बनता है, जो ये काटते हैं ना वो एक चकत्ता अलग सा बनता है, उसको भी पहचाना जा सकता है उसको भी। सर जब यहाँ जो खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय कुमार चौधरी है, वो क्या चिकित्सीय टीम के साथ में थे, हमने जब उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि ये जो बीमारी है ना, वैसे ज़्यादा जहाँ तक नमी होती है, मतलब जैसे अतिवृष्टि हुई है तो अतिवृष्टि से जो बाड़ों में या फिर जो गाँवों में लकड़ियाँ पड़ी हुई उसमें नमी आई हुई है, तो नमी भी एक मुख्य कारण है। नमी में अच्छी तरह से पनपता है ये जो माइट है, यही नहीं बहुत सारी जैसे चिचड़े भी और भी इस तरह के जो ये कीटाणु जो कि रोगों को फैलाते हैं, मच्छर भी इन दिनों ज़्यादा होते हैं क्योंकि नमी और इनको तापमान अनुकूल होता है, तो अभी ये मान के चलिए कि ये सीजन इनके लिए बहुत अनुकूल है इनको बढ़ने के लिए। तो सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि जहाँ तक उसके आप साफ़ सफाई रखें, नमी को दूर करें, कीचड़ से दूर रहें, वही उपाय है सर। इसके अलावा सर कोई विशेष बात जो आप यहाँ के जो आमवासी है आमजन है उसको कहना चाहेंगे कि आप इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं? सबसे बड़ा तो यही है कि जो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, जितने भी उनके पशु हैं उन पर वो दवाई छिड़काएं, और जितने भी बाड़े हैं जहाँ ये इस तरह की चीज़ें पड़ी है जिनमें इनके होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, खास तौर से उस गांव में अपन जब निश्चित हो गया कि ये बीमारी बहुत तायत में है तो वहाँ तो उस गाँव की तो कम से कम सब लोग जुट करके और पूरी सफाई करेंगे तो इससे निजात पाई जा सकती है। सर ये बीमारी कहीं और क्षेत्रों में फैल सकती है? अगर ये एनिमल या ये मनुष्य जो उसको कैरी कर रहा है कहीं भी जाएगा आएगा तो वो निश्चित रूप से चांस बनते हैं उसके, तो आवागमन भी कम होना चाहिए, ऐसी रिकमेंडेशन है। इसमें सर मेथ्रीन जो स्प्रे छिड़काव करते हैं तो उसके अलावा भी कोई विकल्प छिड़काव? नहीं, ये इनको मारने के लिए तो यही दवाई है, यही दवाई। ये जो बैक्टीरिया जनित जो बीमारी है इसका प्रकोप ऐसा नहीं, ये डेंगू और मलेरिया जैसे कि चिकित्सक ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बीमारी बहुत घातक है, अगर आपको इससे बचना है इसके बचाव सबसे पहले तो आपके जो ही इसमें सिम्टम्स आपको नजर आए, इसके शुरुआती लक्षण नजर आए, आप किसी चिकित्सक से जाके जांच करवाएं। और एक गांव में 10 लाख पॉजिटिव सैंपल आना ये कम खतरनाक नहीं है, हम आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी और देंगे। सबसे बढ़िया बात यह है कि डॉक्टर साहब ने जैसा कहा, आपको जो ही शुरुआती लक्षण इसके नज़र आए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास में जाएं और उन लक्षणों का उपचार करवाएं। मैं देवी शंकर सोनी, इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल नाइक के साथ।